नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ग्यारह में। मैं हूँ शेफाली और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं टीचिंग लाइन में और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या तो वो करंटली प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो प्लान कर रहे हैं कि जो नया फॉर्म आने वाला है दिसंबर 2022 में या जून 2023 में उसको फिल करने के लिए वो प्लान कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लगभग 7 से 8 मिनट का ये वीडियो होने वाला है जिसमें कि हम ये जानेंगे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन किसके लिए हेल्पफुल है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या कुछ रिक्वायर्ड होती है, अगर आप ये फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ में एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है भी या नहीं, और अगर है तो क्या है। इसके अलावा एग्जाम की फीस कितनी होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सिलेबस क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, यानी कि कितना नंबर आपको मिले फिर आप यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, ये एग्जाम कब कब होता है, इसके अलावा कुछ और भी 2-4 पॉइंट्स को समझेंगे जैसे कि रिजर्वेशन किनको मिलता है, रिलैक्सेशन किनको मिलता है। तो ये टोटल 8 से 9 पॉइंट्स समझेंगे इस 8 से 9 मिनट के वीडियो में, तो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन संबंधित आप सभी के डाउट या सभी के प्रश्न कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। फटाफट से लेके चलती हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, वहां पे पॉइंट वाइज सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त आ चुके हैं हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्यों और किसके लिए। तो देखिए, यूजीसी नेट क्या डिटरमाइन करता है आपकी एलिजिबिलिटी, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जेआरएफ के लिए या दोनों के लिए, यानी कि आप किसी कॉलेज में अगर पढ़ाना चाहते हैं, कॉलेज का मतलब हायर स्टडीज से है, यानी कि जितने भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट्स होते हैं या अंडर ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हो, आप रिसर्च करना चाहते हो, तो कई बार स्टूडेंट्स को फेलोशिप चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं जेआरएफ, तो लोग उसके लिए भी यहाँ पे यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देते हैं। अब जो फेलोशिप मिलती है, यानी कि जो स्कॉलरशिप मिलती है, 3 अलग तरीके से मिलती है, इसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे, बट एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक एनएफएससी यानी कि नेशनल फेलोशिप शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स को मिलता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को मिलता है, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मिलता है और कुछ जनरल स्टूडेंट्स को भी मिलता है, मौलाना अब्दुल कलाम इस तरीके की कुछ फेलोशिप आती है अलग अलग। तो जैसे ही फेलोशिप आती है वो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कॉन्टिन्यूसली अपडेट करती रहती हूँ। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जेम्प्टेड होते हैं, मतलब अगर आपने सेट क्वालिफाई किया है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने ये क्वालिफाई किया हुआ है कब, जून 2002 के पहले, तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एलिजिबल हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। तो जिनके पास में सेट है जून 2002 तक, तो आपको कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी नहीं है कि आपको नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जिनके पास में सेट है वो सिर्फ अपने अपने स्टेट लेवल के, यानी कि जिन स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, वहां के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या वहां के किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही उनको वहां पे जॉब मिल सकती है। और सैलरी इसकी बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पे बता दूं कि लगभग 65,000 से लेकर के 70,000 तक यहाँ पे सैलरी आप लोगों को मिलती है। दूसरा जो प्रश्न है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या क्वालिफिकेशन क्या है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, तो देखिए, जनरल स्टूडेंट्स और अनरिजर्व स्टूडेंट्स और जनरल ईवीएस कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 55% होने चाहिए, कहां, उनके मास्टर डिग्री में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, या उसी से इक्विवेलेंट अगर आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो या अगर आपके पास में दूरस्थ शिक्षा या दूरस्थ सर्टिफिकेट है तो वहां पे उस मास्टर डिग्री में या पीजी में 55% होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप एससी हो मतलब एससी एसटी या ओबीसी हो या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो या थर्ड जेंडर हो, तो यहाँ पे आप लोगों को 50% में आपका काम बन जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को ये आई होप कि ये समझ में आ गया कि आप यहाँ पे क्वालिफाई कब हो पाओगे, एलिजिबल कब होगे। इस पे कुछ रिलैक्सेशन भी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ही समझिए कि आपके पास में 55% होने चाहिए जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, और इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी में 50% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एज लिमिट का। एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे जेआरएफ के लिए है बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि नेट के लिए नहीं है। नेट का एग्जाम आप कितने भी साल तक दे सकते हो, कोई भी अपर एज लिमिट का प्रावधान नहीं है। आप चाहे 31 साल के हो, आप चाहे 100 साल के हो, आप नेट कभी भी दे सकते हो। बट अगर आप जेआरएफ में फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो अपर एज की लिमिट है 31 ईयर्स। तो 31 ईयर्स अपर एज की लिमिट है। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है जिसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो एक मोटा मोटी आप ये समझिए 31 ईयर्स।
इसके बाद में एग्जाम की फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनरल और अनरिजर्व के लिए एग्जाम की फीस है 1100, ईवीएस के लिए और ओबीसी एनसीएल के लिए 550 रुपए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए और थर्ड जेंडर के लिए है 275 रुपए। ये फीस अक्सर रिवाइज होती रहती है, पहले 1000 थी अभी 1100 हो गए लगभग। ये फीस अभी जो आपका फॉर्म आने वाला है 2023 में यही फीस रहने वाली है। इसमें आपकी जीएसटी और बाकी सारी चीजें ऑलरेडी एडेड है। समझते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है और मोड क्या है। तो मोड की बात करते हैं तो सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है आप उसको टिक करते हो। पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, पेपर 1 आपको देना ही देना है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसीलिए हर सही क्वेश्चन पे आपको मिलते हैं पूरे 2 नंबर और जिस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर देते हो या छोड़ देते हो उस पर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए स्टूडेंट को सजेस्ट यही किया जाता है कि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और इसके अलावा पेपर 2 हो जाता है आपका 100 क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होने के साथ साथ में 200 नंबर के हो गए, तो लगभग आपके 300 मार्क्स का पेपर होता है और लगभग इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। टोटल समय आपको मिलता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का, यानी कि 120 मिनट। सभी क्वेश्चन को करना कंपलसरी होता है, कोई ब्रेक नहीं मिलता है। एक साथ आपके सामने 150 क्वेश्चन ओपन हो जाते हैं, आप चाहे पेपर 1 पहले करिए, चाहे पेपर 2 आप पहले करिए, चाहे कुछ क्वेश्चन पेपर 1 के करिए, चाहे कुछ क्वेश्चन पेपर 2 के करिए, आपके अपने ऊपर में है। इसके अलावा अगर 6ठा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कौन कौन सा आपका सिलेबस है, सिलेबस क्या कुछ है, तो सिलेबस यहां पे आपका यूजीसी ने लगभग 82 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन कराती है। पेपर 1 तो सभी का कंपलसरी है और पेपर 2 ऑप्शनल होते हैं, 82 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। यहां पे आपका सिलेबस क्या है, 2019 में सिलेबस अपडेट हो गया है। सिलेबस कैसे मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सिलेबस दे दूंगी। ये जो आपको ब्लू कलर की लिंक दिख रहा है ना, इसी लिंक पे आपको सिलेबस मिलता है। अब इस लिंक पे आप क्लिक तो कर नहीं पाओगे, इसलिए इस लिंक को उठा करके मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, पेपर 1 का और पेपर 2 का दोनों का। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि कुछ और भी 1-2 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि मास्टर डिग्री में अगर आपने ज्योग्राफी लिया हुआ है तो आप यहाँ पे ज्योग्राफी तो सब्जेक्ट ले ही सकते हो, या आपके अपने ऊपर है। इसके अलावा आप पॉपुलेशन स्टडीज भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपका मास्टर्स में मैथमेटिक्स है या स्टैटिस्टिक्स है तो इस सिचुएशन में भी आप पॉपुलेशन स्टडीज नाम का ये सब्जेक्ट, यानी कि कोड नंबर 015 ये चूज आप कर सकते हो। एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था अभी कुछ ही टाइम पहले, लगभग 2022 में, हिंदू स्टडीज। तो हिंदू स्टडीज नाम का एक नया सब्जेक्ट जिसका कोड है 102, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट इन 82 सब्जेक्ट्स में नहीं मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो बहुत ही क्लियरली एनटी ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि आपके पीजी में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे पहले सेमेस्टर में, चाहे दूसरे सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में, तो उन सब्जेक्ट्स के आधार पर आप यहां पर अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। यानी देखिए बहुत ही क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है सिर्फ वही सब्जेक्ट को चूज करें। इन केस अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट यहां पे कवर नहीं है तो आप किसी भी सब्जेक्ट, मतलब रिलेटेड सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो। रिलेटेड सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने एमबीए किया हुआ है, एमबीए में कॉमर्स भी होता है आपका, अकाउंट्स भी होता है, स्टैटिस्टिक्स भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, और आप यहाँ पे अगर करना चाहो कॉमर्स को चूज करना चाहो पेपर 2 में तो कॉमर्स कर सकते हो, मैनेजमेंट भी चूज कर सकते हो, आपके पास में ह्यूमन रिसोर्स का भी यहाँ पे अलग अलग 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन है आपस में, क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स इंटर रिलेटेड है, एंड सो आप देख लीजिएगा। इस पे डाउट होगा तो आप बाद में पूछ सकते हो। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जान लेते हैं, तो यहाँ पे यूजीसी बोलता है कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिला करके एटलीस्ट आपके 40% आने चाहिए, फिर आपकी जो लिस्ट बनती है यहाँ पर, यानी नेट की जो लिस्ट बनती है, आप इस लिस्ट में नाम आपका शुमार होने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन सिर्फ 40% पा लेने का मतलब ये नहीं है कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ साथ में आपकी अपने अपने सब्जेक्ट की बनती है कट ऑफ, जिसे आप मेरिट भी कहते हो, तो आपको अपने अपने सब्जेक्ट की मेरिट को भी क्वालिफाई करना पड़ता है। अभी मेरिट कैसे तय होती है, इस मेरिट को तय करने का एक पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। आप अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ साथ में आपको अपने सब्जेक्ट की मेरिट को भी यहाँ पे कवर करना पड़ता है, यानी कि दोनों पेपर को मिला के आपके पास में एटलीस्ट 40% होने चाहिए, प्लस
जो आपकी सब्जेक्ट की मेरिट जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके सब्जेक्ट की मेरिट जा रही है 60%, तो आपके पास में लगभग 40% तो आपको चाहिए ही चाहिए, फिर तो आप एलिजिबल हो जाओगे इस रेस में रहने के लिए। और फिर उसके बाद में जो रिमेनिंग 20% का आपका ये जो गैप है, इसको भी आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा एग्जाम कब होता है? अगर हम नॉर्मल रूटीन की बात करें तो साल में 2 बार होता है, लेकिन मतलब ये कोरोना के बाद में और ये पैंडेमिक के बाद में आपका जो एग्जामिनेशन है वो मर्ज होकर के हो रहा है। तो जो आपका इस बार का भी जो नेक्स्ट फॉर्म आने वाला है, लगभग दिसंबर 2022 में फॉर्म आ जाएगा। हाई चांस है कि आपका एग्जामिनेशन अगेन मर्ज होकर के हो, यानी कि मार्च में आप लोगों का 2023 वाले भी फॉर्म आ जाएंगे। तो जून 2023 प्लस दिसंबर 2022 के फॉर्म अगेन मर्ज होकर के आने की संभावना है। तो आपका एग्जामिनेशन अगले साल होने की पॉसिबिलिटी है। कब? अगले साल जून के आसपास, जून 2023 के आसपास। अगला जो सवाल है यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में, जो मैंने पीछे आपको बताया था, यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी मिलता है यूजीसी नेट स्टूडेंट्स को। तो एससी स्टूडेंट्स को 15% उनके लिए सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 7.5%, 27% सीट रिजर्व है ओबीसी के लिए, साथ में एनसीएल कैटेगरी इसको आप बोलते हो, 10% सीट रिजर्व है यहाँ पे जनरल ईवीएस कैंडिडेट्स के लिए, और 0.5% यहाँ पे सीट रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये कुछ रिजर्वेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इत्मीनान से आप पढ़ सकते हो। रिलैक्सेशन भी मिलता है, इसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जीआरएफ में आपकी जो एज होनी चाहिए वो 31 साल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है। 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है, किसको? ओबीसी स्टूडेंट्स को मिल जाता है। अगर आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी हो, या थर्ड जेंडर कैटेगरी हो, या अगर आप वुमेन हो, तो आपको यहाँ पे 5 साल का फर्दर एक्सटेंशन मिल जाता है। यानी कि 31 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो लगभग 36 साल तक। आप अगर 36 इयर्स तक, आप माने कौन कौन स्टूडेंट? एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर और वुमेन्स, 36 इयर्स तक यहाँ पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एलएलएम की डिग्री ली हुई होती है, फिर वो चाहे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या किसी और भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उन स्टूडेंट्स को मिल जाता है 3 साल का रिलैक्सेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एससी स्टूडेंट हो और आपने एलएलएम भी किया हुआ है तो आपको 5 साल यहां मिल गया और 3 साल यहां मिल गया, 5, 6, 7, 8 साल का रिलैक्सेशन मिल गया, ऐसा नहीं होता है। किसी भी केस में मैक्सिमम जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो 5 इयर्स का ही मिलता है, या तो आपको ये वाला मिलेगा या तो आपको ये वाला मिलेगा। ठीक, तो एलएलएम अगर आपने किया है तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे किसी आर्मी में सर्व किया हुआ है, काम किया है, तो 5 साल का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, अगर आप पीएचडी में आपने कुछ अपने पब्लिश किए हुए हैं जर्नल्स को, पेपर्स को, तो भी यहाँ पे आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। किसी भी केस में 5 साल से अधिक का रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलता है। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम चीजें, पूरी जानकारी मैंने आपको यूजीसी नेट से संबंधित दे दी है, छोटी बड़ी सभी जानकारी। फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर से आप पूछेंगे। अब हमारे माध्यम से, यानी कि अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो ऑब्वियसली आपने कुछ सोच के देखा होगा। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने आपको या इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर किया है। अब हमारे माध्यम से आपकी तैयारी में कैसे 4 चांद लग सकते हैं, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ फ्री में। अभी लास्ट बैच में भी हमने कराया, जहां पे पूरा मैराथन सेशन कराया, पेपर वन का पूरा अभ्यास कराया। यूजीसी नेट का एक पूरा बैच मैंने लॉन्च किया था, जिसमें लगभग आप देख सकते हो 73 वीडियोस है, पूरा कंप्लीट पेपर वन कराया था फ्री में। पेपर वन के कुछ शो टॉपिक्स भी कराए थे। इसके अलावा एग्जाम का एनालिसिस भी किया जाता है। आप जरूर से यहाँ पे यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, जो भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन कराती हूँ, सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को एक्सप्लोर कर लेना। कम्युनिटी टैब में डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी अपलोड किए जाते हैं। हमारा जो नया बैच है वो नवंबर से शुरू होने वाला है, अगेन ये फ्री बैच होने वाला है। पेपर वन कंप्लीट कराने वाली हूँ, पेपर टू कॉमर्स होगा, पेपर टू मैनेजमेंट होगा, ये दोनों हम लोग इस बार से नया शुरू कर रहे हैं। सारे चीजें अकेले मैं ही करती हूँ, हैंडल मेरे ही माध्यम से होता है। सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, फेसबुक का ये लिंक है, टेलीग्राम का ये लिंक है और इंस्टाग्राम का ये लिंक है। पैशनेट बनिए, मोटिवेशन आपके अंदर भर भर के होना चाहिए। सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम से जरूर से जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको अपडेट्स मिलते हैं सभी क्लासेस के, सभी इंपॉर्टेंट नोटिसेस के। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली पसंद आया तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।